नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा फूड्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी लेके आई हूँ। ये इंस्पायर्ड है स्विट्जरलैंड की डिश स्विस रोस्टी से, और इंडिया में इसको आलू का चीला कह सकते हैं। आप आलू का स्नैक्स बहुत बनते हैं, तो आलू का चीला इसको आप कह सकते हैं। तो ये मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ बना के आलू का चीला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आलू का चीला बनाना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आलू का चीला बनाना, स्विस रोस्टी। एक्चुअली ये विदेशी डिश है, स्विस रोस्टी स्विट्जरलैंड की डिश है, जिसका ये हिंदीकरण है आलू का चीला। तो इसके लिए मैंने ले लिया है 3 आलू, बड़े आलू कद्दूकस करके ले लिए मैंने। ये देखिए 3 आलू कद्दूकस करके लिए मैंने। और इसके लिए विशेषता ये है कि आप जो भी उसको कद्दूकस करें तो कद्दूकस ऐसा हो जिसमें ये लच्छे बड़े बड़े निकलें। और मैंने इसको कद्दूकस करके और इसमें इमीडिएटली तेल डाल दिया, वेजिटेबल ऑयल जो भी आपके पास हो उपलब्ध हो आप डाल लें। तो ये डाल लिया है क्योंकि आलू की टेंडेंसी होती है कि वो छिलने के बाद तुरंत ही काला पड़ता है। तो मैंने इसमें तेल डाल लिया है, 2 बड़े चम्मच भर के तेल डाल के इसको मिक्स कर लिया है। और इसमें अभी मैं सीजनिंग भी करूँगी, लेकिन आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर कि मैंने इसके लिए क्या क्या लिया। इसकी स्टफिंग के लिए मैंने लिया है पनीर, प्याज, टमाटर, मशरूम और ये शिमला मिर्च। तो ये मैंने इसकी स्टफिंग बनाऊँगी चीले की, तो उसके लिए मैंने ये चीज़ें ली हैं। अभी आपको बना के दिखाती हूँ मैं। और इसमें अब मैं डालूँगी, सीजनिंग करूँगी इसमें नमक और चुटकी भर काली मिर्च की। तो ये मैंने काली मिर्च डाल दी, ये देखिए काली मिर्च डाल दी मैंने। थोड़ा सा मैं डालूँगी सॉल्ट पाउडर, जिंजर पाउडर ये डाल दिया मैंने। और चुटकी भर ही मुझे डालनी है हल्दी ताकि इसका कलर आ जाए और ये सुंदर लगे देखने में। और मैं इसमें डालूँगी, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लें इसमें नमक। तो मैंने ये आधा चम्मच नमक लिया है, इसमें ये डाल दूँगी मैं। तो ये मैंने आलू के लच्छे जो मैंने छील के कद्दूकस किए थे तो उन लच्छों का मैंने सीजनिंग कर दी है। अब इसको मैं मिलाऊँगी पूरी इस तरीके से, और मिला के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको सीजनिंग करके तैयार कर लिया है आलू के लच्छों को। और अब मैं इसकी स्टफिंग तैयार करूँगी। तो स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ प्याज और पनीर, मशरूम, शिमला मिर्च और टमाटर ले लिए हैं। तो अब मैं स्टफिंग बनाना शुरू करती हूँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले डालूँगी प्याज। दोस्तों ये विदेशी रेसिपी है तो इसमें जीरा वगैरह नहीं पड़ता, स्विस रोस्टी स्विट्जरलैंड की रेसिपी है ये, तो इसमें जीरा नहीं पड़ता। और इसमें मैंने ले लिए प्याज, प्याज नरम होने तक करनी है मुझे, भूननी है। देखिए प्याज नरम हो गई है, इसको ज़्यादा भूनना नहीं है मुझे, बस नरम करना था मुझे। अब इसमें जाएंगी दूसरी सब्जियाँ, शिमला मिर्च, मशरूम मैंने काट के रखे थे। जो भी आपको वेजिटेबल पसंद है तो आप वो इसमें डाल सकते हैं, आपकी पसंद पे आप इसमें कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। तो मैंने मशरूम ले ली, शिमला मिर्च ले ली, प्याज ले ली, और इसको हल्का सा रोस्ट करके छोटे करके इसको, और फिर मैं दूसरी सब्जियाँ डालूँगी। ये देखिए दोस्तों, स्टफिंग मेरी बन के तैयार है। मैंने इसे पनीर भी डाल दिया था, तो अब ये पूरी स्टफिंग मेरी बन के रेडी है। गैस को बंद करूँगी मैं और आपको आलू का चीला बना के दिखाऊँगी। ये रेडी है मेरी स्टफिंग। तो दोस्तों हमारी स्टफिंग बन के रेडी है ये, और अब मैं ये आलू का चीला बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने रख दिया है नॉन स्टिक तवा, और इस पे अब मैं ये चीला फैलाऊंगी।
ये देखिए इस तरह चूल्हे को चलाना है। ये देखिए दोस्तों आलू का चीला स्विस रोस्टी बनके तैयार है, ये रेडी है। तो इस तरह आज हमने बनाया आलू का चीला। मैं आपको इसमें स्टफिंग करके भी दिखाती हूँ। ठीक है दोस्तों, आलू का चीला बनके तैयार है विद स्टफिंग। सुंदर लग रहा है ना, ये देखिए मैंने स्टफिंग कर दी है इसकी और ये बिल्कुल तैयार है। स्विट्जरलैंड की डिश है ये स्विस रोस्टी, जिसको हिंदी करण है जिसका आलू का चीला। तो स्टफिंग उसमें भी जाती है और स्टफिंग इसमें भी जाती है। तो ये मैंने स्टफिंग भी दिखाई थी आपको, तो स्टफिंग करके दिखा दी मैंने। और दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, बना के देखिएगा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसका टेस्ट कैसा है। बहुत इजी है, यदि आपको जब भी भूख लग रही है तो आप तुरंत ही, आलू तो हर घर में रहते हैं तो आलू से बढ़िया नाश्ता ही कुछ नहीं होता है। अपने इंडिया में आलू का बहुत महत्व है, तो सारे नाश्तों में सारे स्नैक्स में 60-70% आलू का ही कमाल होता है। तो आज मैंने आपको आलू का चीला बना के दिखाया, तो आप इसको पूरा मेरा वीडियो देखिएगा, बनाइएगा, टेस्ट करिएगा, घर वालों को खिलाइएगा। और अच्छा लगे तो मेरे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर करिएगा। लाइक शेयर आपके लिए बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दीजिएगा ताकि मुझे बढ़ावा मिले। और नेक्स्ट रेसिपी लाने तक टेक केयर, बाय बाय।